तो सुनिएगा कि जैसे बारिश के एहसास के लिए तपिश जरूरी है, छांव के एहसास के लिए धूप जरूरी है, मिलन के एहसास के लिए जुदाई जरूरी है, संभलने के एहसास के लिए गिरना जरूरी है, जुड़ाव के एहसास के लिए टूटना जरूरी है, ठीक वैसे ही प्यार के एहसास के लिए ब्रेकअप जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार का एहसास तो ब्रेकअप के बाद ही होता है, जब हम एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं लेकिन प्रोफाइल फोटो से नजरें नहीं हटती। एक एक लाइन देखिएगा। अच्छा है। लेकिन प्रोफाइल फोटो से नजरें नहीं हटती। व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज लिखते हैं और मिटाते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। हम समझ सकते हैं। एक दूसरे की डीपी को जूम करके देखते रहते हैं, हम चुप रहते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कहते लेकिन स्टेटस बदल बदल कर सब कुछ कह रहे होते हैं। वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्यार का एहसास तो ब्रेकअप के बाद ही होता है, जब पार्क की बेंच पर झपकी आ जाती है और सर को कोई ठिकाना नहीं मिलता। क्या बात, बहुत बढ़िया। और सर को कोई ठिकाना नहीं मिलता जब प्लेट में चिली पोटैटो आधा बचा रह जाता है और वेटर पूछता है, मैडम के आने में देर है क्या। बहुत बढ़िया। जब लड़की शोरूम में टॉप को लेकर घंटों उलझी रहती है और सेल्स बॉय पूछता है, सर होते तो फट से पसंद आ जाता। 5 रुपए में जोड़ा सलामत रहे की दुआ करने वाली बस स्टाफ की भिखारन पूछती है, साहब जी कतो चलेंगे का। बहुत अच्छा। प्यार तो ब्रेकअप के बाद ही होता है, जब हम एक दूजे को गालियां देकर प्यार कर रहे होते हैं, जब एक दूजे के गिफ्ट जला कर प्यार कर रहे होते हैं, जब एक दूजे से नफरत करके प्यार कर रहे। वाह, बड़ा अजीब होता है ये ब्रेकअप, जब हम एक दूजे की यादें मिटा कर याद कर रहे होते हैं। कहते हैं प्रेम का धागा टूटने के बाद नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, लेकिन सलीके से लगाई गई गांठ कमजोर धागे को और मजबूत बना देती है। कमजोर धागे को बिल्कुल और मजबूत बना देती है, जिसे गांठ कहा जाता है, ये उमड़ कर घनीभूत हुआ प्यार है। बिखरा प्यार ब्रेकअप के बाद ही सघन होता है।